नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बसपा नेता अनुपम दुबे की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बसपा नेता अनुपम दुबे समेत चारों भाइयों के खिलाफ शहर कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जबरिया जमीन कब्जा कर ठंडी सड़क स्थल होटल श्री शर्म पैलेस बनाए जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे कराए गए हैं और मुकदमा दर्ज कराने वालों में शहर के पटेल पार्क निवासी पूर्व सपा सांसद छोटे सिंह यादव के बेटे मोहन कुमार, मोहल्ला विरगा बाग निवासी शशि प्रभा और इसके अलावा तमाम कॉलोनी के निवासी बताए जा रहे हैं। मुकदमे में बसपा नेता अनुपम दुबे, उनके भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, अमित दुबे और ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदाबाद जीतू दुबे और एक अज्ञात व्यक्ति का नाम शामिल है। सावन का दूसरा सोमवार आज शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में सुबह से ही पहुंच रहे हैं। देवों के देव महादेव से लोगों ने मनोकामनाएं मांगी हैं। सावन पर्व पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश आशीष उर्फ ओमवीर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मृत अवस्था में मिला। आसपास के लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान धीरज कैलाश निवासी, उम्र 18 वर्ष निवासी, मारकुंडी मोड़ थाना ओबरा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली गांव का ये पूरा मामला। रायबरेली में देर रात सलौन से धरई गांव अपने घर जा रहे एक युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचते बदमाश वहां से रफूचक्कर हो गए। युवक की पहचान मोहम्मद तारिक के तौर पर हुई है। परिजनों को जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए सीएससी सलौन लेके आए। वहां मौजूदा चिकित्सक ने उसका प्राथमिक इलाज कर जिला अस्पताल के रेफर कर दिया। फिलहाल युवक बेहोशी की हालत में बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली है कि मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। कानपुर में रिश्ते फिर शर्मसार हुए हैं। बेटे ने पिता की गला रेत कर हत्या कर दी है। हत्या कर बेटा मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। थाना गोविंद नगर क्षेत्र के रतनलाल नगर गुजैनी सी ब्लॉक की पूरी घटना बताई जा रही है। हरिद्वार चंडीघाट पुल से चीला शक्ति नहर होते हुए ऋषिकेश आ रही कांवड़ियों की एक बाइक में गंगा भोगपुर के पास अचानक भीषण आग लग गई। किसी तरह कांवड़ियों ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचा ली। बाइक में आग लगने के कारण कांवड़िया फिलहाल नीलकंठ महादेव के दर्शनों के लिए रवाना हो गए हैं। बाइक में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। ऋषिकेश में बीटीसी परिसर के पीछे चंद्रभागा नदी किनारे 10 साल के बच्चे पर ट्रक का पिछला पहिया चढ़ गया। घटना में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ड्राइवर को पुलिस हिरासत में लिया है। ट्रक को भी कब्जे में ले लिया। बच्चे के पिता की तहरीर पर पुलिस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस 9 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश में भारत जोड़ो संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पार्टी का नेता और कार्यकर्ता अपने जिले में 75 किलोमीटर की यात्रा पदयात्रा करेंगे और इसका समापन रुद्रपुर होगा। इस कार्यक्रम को लेकर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की मौजूदगी में पदयात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई और पदयात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। राजकीय महाविद्यालय मिंग नारायण बगड़ का निर्माणाधीन भवन का औचक निरीक्षण के दौरान थाली विधानसभा के विधायक भूपाल राम टमटा ने कार्यदायी संस्था पर भारी अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए कहा है कि कार्यदायी संस्था ने निर्माण के दरमियान कोई भी तकनीकी पक्ष मौजूद नहीं है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता में खामियां दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।